बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ना न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अब यूनिट 10 के न्यूमेरिकल्स तो मैं बहुत ही पहले अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने एग्जाम्पल्स नहीं सॉल्व करके दिखाई थी। मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, तो वो भी समझने वाले का एक कॉन्सेप्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको वो क्वेश्चंस करवाए जाए। अब ये पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें कह रहे हैं कि इन अ फिगर शोज। फिगर आपको मैं जरा बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इन अ फिगर शोस, ये फिगर बनी हुई है, ठीक है, और इसमें ना वेव्स बनी हुई है। वेव्स किस तरह की? इस तरह वेव्स बनी हुई है, ठीक है। अभी मैंने कंप्लीट फिगर नहीं बनाई, जितनी मुझे जरूरत थी मैंने उतनी फिगर बनाई है। इस तरह वेव्स बनी हुई है और यही वेव्स होती हैं। और फिर इस तरह यहाँ पर जो है ना 10 बनाया हुआ है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, और ये डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है, और यहाँ पर भी इस तरह 5 और 10, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और ये जो साइड है ना, ये आपके पास जो शो की गई है, ये आपके पास टाइम है, टाइम पीरियड कह सकते हैं इसको। टाइम है, सेंटर में बिल्कुल 0.1 लिखा हुआ है, इसके सेंटर में लिखा हुआ है 0.3, इसी तरह इसके सेंटर में लिखा हुआ है 0.45, और इसी तरह सो ऑन ना, सही है। अब इसका क्या यूज है मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों ने पेशेंस रखना है। अब करना क्या है हमें ना, करना यह है कि आपको कहा गया है कि जो वेव है वो ट्रैवलिंग कर रही है टू लाइट विथ अ स्पीड, आपको स्पीड गिवन है। कितनी स्पीड गिवन है? 4 मीटर पर सेकेंड। जरा मैं डाटा की हेडिंग अप्लाई करूं, ठीक है। वर्क एग्जाम्पल 1 है, डाटा में सिर्फ वी 4 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और कहा गया है कि आपको मालूम करना है टाइम पीरियड, लिखा हुआ ना, व्हाट इज टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। अच्छा, व्हाट इज टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी, ओके, और लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, बोला भाई कैलकुलेट द वेवलेंथ, सही। ये सब हमें मालूम करना है। अब आपको एक चीज बता दो, टाइम पीरियड तो आपको इसी ग्राफ से, इस डायग्राम से ही मालूम हो जाएगा। देखें कैसे टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव को कवर करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। अब देखें, यहां से लेकर यहां तक एक वेव ट्रेवल कर रही है, 0.1 हाफ होता है, तो 0.3 ट्रेवल कर लिया, और अगर मैं हाफ कंसिडर करूँ तो 0.1 होगा, तो 0.3 में हाफ ऐड कर दूंगी तो 0.4 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि मैं टाइम पीरियड लिख सकती हूँ कि मेरे पास टाइम पीरियड आ गया है, जो कि है कितना आया हमारे पास, 0.4। क्यों आया? देखिए, मैं 0.3 यहाँ तक था, जबकि मुझे ये पूरी वेव जो है यहाँ तक ट्रैवल कर रही है, तो 0.1 ऐड करना पड़ा, क्योंकि हाफ जो है वो 0.1 के बराबर है। तो ये आसान है, ये यूँ सोचें 0.3 और 0.5 के दरमियान में क्या आता होगा, 0.4 आता होगा, दोनों लफ्जों में आप सोच सकते हैं। तो ये खैर आपका टाइम पीरियड आपने जो है मालूम कर लिया। ये हो गया सेकेंड, स्मॉल में लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे और कैपिटल लिखेंगे तो खैर ये इस तरह की चीज़ें हैं। अब क्या करना है, अब टाइम पीरियड के साथ साथ आपको फ्रिक्वेंसी ही मालूम करनी है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी पता है? फ्रिक्वेंसी का बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो आपको वही लगाना है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसे एफ इजिकल टू 1/T भी आप लोग कह सकते हैं, बहुत सिंपली अप्लाई होगा और आंसर जो है वो आ जाना है। अभी फिलहाल मैं ऐसा लिख रही हूँ, 1 और टाइम पीरियड है 0.4। अब चेक कर लेते हैं कि आंसर क्या आता है। अब जब आपने इनको डिवाइड करवाया ना, तो आंसर आ रहा है 2.5 हर्ट्स। तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास 2.5 हर्ट्स आ गई, ऐसा ही है। अब लास्ट क्या रह गया, एक चीज़ तो हमने निकाल ली, ये सेकंड था, और थर्ड है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ निकालना भी बहुत आसान है, वेवलेंथ का अपना एक फॉर्मूला है, वैसे तो फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो आप इसी फॉर्मूले को यूज़ करें और अप्लाई कर लें। एफ कितना है हमारे पास, 2.5 है, और यहाँ वी गिवन था, सॉरी वी कितना है, 4 है, तो वी की जगह आप लिखें 4 और लैम्डा एज इट इज़। अब आपको पता है कि लैम्डा की वैल्यू निकालने तो ये मल्टीप्लाई में, तो इज इक्वल टू के साइड आकर हो जाएगा डिवाइड, तो मैं से 4/2.5 लिख सकती हूँ। और लैम्डा की वैल्यू अगर हम निकालें तो आ जा रही है, अब कितनी आएगी इसको करके देखें, 1.6, और यूनिट होता है इसका मीटर, फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स और इसका होता है मीटर। तो ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व। अब जल्दी से सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, और यहाँ सॉल्यूशन की हेडिंग भी डाल दीजिएगा, मैंने नहीं करी थी ये हेडिंग, सही, ओके। अब डाटा,
अब डाटा क्या है क्वेश्चन का, कह रहे हैं फिशरमैन नोटिस दैट हिज बोट इज मूविंग अप एंड डाउन। चलो फिशरमैन इतना फारिक टाइम है उसके पास, वो नोटिस कर रहा है कि उसकी जो बोट है अप एंड डाउन। अच्छा फिशरमैन की छोटी सी बोट होगी तो नोटिस हो सकता है, सही है, अप एंड डाउन समंदर में है तो ये होगा। ड्यू टू वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सही है, वेव्स बन रही है इस वजह से। अब इट टेक्स 4 सेकेंड फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द हाइस्ट टू द लोएस्ट पॉइंट। अच्छा हाइस्ट से लोएस्ट पॉइंट होता क्या है? देखिए अगर कोई वेव बनती है ना, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक वेव है, सही है, इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा और यहाँ तक वापस आने में लोएस्ट पॉइंट होगा, फिर ये हाईएस्ट पॉइंट होगा और ये लोएस्ट पॉइंट होगा। खैर इतनी भी ऊंची नीची वेव्स नहीं बन रही होंगी, थोड़ी छोटी मोटी सी वेव्स बन रही होंगी। खैर तो ये वेव्स बन रही हैं, अरे नहीं नहीं बन रही है, 3 मीटर तक की तो बन रही है वेव्स ना। अच्छा अब कह रहे हैं कि 4 सेकंड इसको लगे हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट पहुंचने, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में, मतलब हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है ये 4 सेकंड में। अच्छा टाइम पीरियड के लिए पूरा इसको हाफ नहीं, मतलब जैसे ये हाफ वेव लेंथ कवर कर रहा है, अगर ये यहां से ट्रेवल करता ना लोएस्ट से लोएस्ट पॉइंट तक, तो ये इसकी एक पूरी वेव लेंथ हो जाती। खैर फिलहाल इसने हाफ टाइम दिया हुआ है, ये टाइम हो गया जो कि है 4 सेकेंड। ठीक है आगे कह रहे हैं कि फ्रॉम द हाइस्ट टू लोएस्ट पॉइंट अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। अच्छा जो हाइस्ट से लोएस्ट पॉइंट पहुंचने में से डिस्टेंस लग रहा है ना, वो लग रहा है 3 मीटर का, नजर आ रहा है कुछ? बिल्कुल। अच्छा उसके बाद सीज क्रेस्ट का जो स्पेस है वो 8 मीटर है। देखिए ये जो चीज़ है ना वो क्रेस्ट कहलाती है, और ये जो है ना, चलो मैं इसको बना देती हूँ, ये ट्रफ कहलाते हैं। अब क्रेस्ट का इस क्रेस्ट से लेके इस क्रेस्ट तक का जो डिफरेंस है ना, डिस्टेंस है वो 8 मीटर, तो समझो ये वेवलेंथ दी हुई एक तरह से आपको, क्योंकि एक क्रेस्ट से एक क्रेस्ट तक का डिफरेंस या एक क्रेस्ट या एक ट्रफ मिलाकर जो है ना वो वेवलेंथ ही कहलाता है, तो ये वेवलेंथ हो गया। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड पीरियड फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड। अच्छा हमें जो मालूम करना है, कुछ दिया हुआ नहीं, खामखा जल्दी स्टार्ट कर दिया डायग्राम, इसमें क्या क्या गिवन है मैं इसको अभी आपको मेंशन कर दूंगी, आप लोग फिक्र मत करें। फिलहाल जो हमें मालूम करने को कहा गया है वो हम लिख देते हैं। हमें कहा गया है टाइम पीरियड मालूम करने के लिए, हमने कहा चले ठीक है ओके हम मालूम कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। और क्या कहा है, फ्रिक्वेंसी कही गई है, जैस एम्पलीट्यूड कहा है, वेवलेंथ कहा है इन्होंने, मतलब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करने को कहा है। फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड वेवलेंथ और क्या कहा है भाई, हाउ फास्ट आर द वेव्स मूविंग। अच्छा भाई स्पीड भी कही है इन्होंने, तो खैर मैं अभी फिलहाल लिख रही हूँ स्पीड। अच्छा एक बात बता दूँ, इन्होंने अल्फाज का खेल खेला है और कुछ चीज़ें तो हमें दी हुई ही हैं, जो कि इन्होंने मालूम करने के लिए कहा है ना वही चीज़ें इन्होंने हमें गिविन भी की हुई हैं। पहले मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर लूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे ये। अब देखें पहले टाइम पीरियड मालूम करते हैं, टाइम पीरियड बहुत आसानी से आ जाएगा, कैसे आ रहा है टाइम पीरियड, सॉल्यूशन की हेडिंग भी डाल देनी चाहिए थी ना मुझे। अब सही है, टाइम पीरियड कहा है इन्होंने मालूम करने के लिए, तो टाइम पीरियड मैंने कहा है आपको कि देखिए हाफ डिस्टेंस 4 सेकंड में हो रहा है, तो पूरी वेव लेंथ का डिस्टेंस जो है ना, पूरी एक वेव इससे डबल टाइम में होगी, मतलब 4 2 ज़ा, तो आप सिर्फ क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करवा दें 2 से, तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा जो कि है 8 सेकेंड, ऐसा ही है। ठीक है तो ये तो बड़ा आसानी से आ गया। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालना भी कोई मुश्किल बात नहीं, आपको पता है कि रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का, तो इसको भी आप लोग बहुत आसानी से जो है वो मालूम कर लेंगे। आसान से क्वेश्चन है, बस आपने क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है। अब क्या है टाइम पीरियड क्या है, 8 है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी भी आ रही है 0.125 हर्ट्स, ऐसा ही है। ठीक है भाई हमारे पास 2 चीज़ें तो आ गई, क्या मांगा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला मैं आपको समझाती हूँ, सही है। एम्पलीट्यूड के लिए आपको क्या करना होगा कि अच्छा स्टूडेंट्स अभी एम्पलीट्यूड निकालने लगी ना, तो ख्याल आया मुझे कि डिस्टेंस कहाँ गिवन है, जो मैंने ये थी जल्दी से गलती से यहाँ बना दिया था ना, वो डिस्टेंस है यहाँ से, मैं इसको यहाँ कट कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। समझे कि कोई बोट अगर ट्रैवल कर रही है तो ये डिस्टेंस होता है वो 3 मीटर है, तो एक्चुअली एम्पलीट्यूड निकालने के लिए ना डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करना होता है, तो एम्पलीट्यूड आ जाता है। अब इन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है, तो मैंने फ़ौरन जो है D/2 का फॉर्मूला अप्लाई किया
और डिवाइड किया 3 को 2 से और आ गया एम्पलीट्यूड। लेकिन ये मुझे स्टार्ट में जल्दी में मैंने इस तरह लिख लिया था, अभी रियलाइज हो गया कि एम्पलीट्यूड कैसे आएगा। तो खैर जल्दी ही रियलाइज हो गया, तो एम्पलीट्यूड आपके पास आया है 1.5 मीटर। ठीक है, जब उस वक्त हम बोर्ड के टेंशन में थे ना, तो अब ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास लास्ट रह गया है हमारे पास वेवलेंथ और स्पीड, बल्कि नहीं, दो चीज़ें रहती है ना, एक तो हमारे पास वेवलेंथ निकालना है हमें और एक हमें स्पीड मालूम करना है। तो वेवलेंथ मालूम करते हैं पहले। अच्छा जी, वेवलेंथ ना मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि दो क्रेस्ट का डिफरेंस ना, या दो ट्रफ का डिफरेंस, या एक क्रेस्ट एक ट्रफ तक का डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ कहलाता है। तो यहाँ आपको वेवलेंथ तकरीबन दी हुई है जो कि है टू क्रेस्ट डिस्टेंस, ऐसे लिख दे। ठीक है, या डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, अभी प्लान में टू क्रेस्ट डिस्टेंस लिख रही हूँ जो कि है 8.0 मीटर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब फिफ्थ आपको क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। अब स्पीड निकालने के लिए तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो फॉर्मूला जो है ना वो है वी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अच्छा आपको बता दो फ्रिक्वेंसी, लैम्डा तो वेवलेंथ है, तो फ्रिक्वेंसी आपको गिवेन है जो कि है, कितनी गिवेन है फ्रिक्वेंसी, ये रही 0.125 हर्ट्स, और वेव लेंथ आपको गिवन है जो कि है 8 मीटर। इन दोनों को आप कर लें मल्टीप्लाई तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं चेक करती हूँ कि क्या आंसर आ रहा है। आंसर आया है 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिया, न्यूमेरिकल नंबर 2। तो देख लें इस न्यूमेरिकल को। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है ना ये न्यूमेरिकल, बिल्कुल। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, दो क्वेश्चन और हैं लेकिन वो पेंडुलम से रिलेटेड हैं, तो मैंने सोचा उसको एक अलग वीडियो में ही आपको समझाती हूँ। अभी आप इसकी कर लीजिएगा प्रैक्टिस, और वो दो क्वेश्चन भी आपको ज़रूर ज़रूर मैं बहुत ही जल्द, बल्कि नेक्स्ट डे ही जो है मैं अपलोड कर दूंगी, तो वो दो क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, वो मैं चैनल पर बहुत पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।